4 सेकंड में अभी बंद हो जाएगी, इंजन कट ऑफ। मस्त फीचर है। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एंटॉक XT का एक राइडिंग रिव्यू। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इसका एक छोटा सा राइडिंग रिव्यू, किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये चलती है, किस तरीके से हमें इसका राइडिंग रिव्यू मिल जाता है। एट द टाइम मैं GT रोड पर हूँ और ये जा रही मेरी ब्लैक पैंथर। सो ये ध्रुव बाइक है, पहले तो मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवा देना चाहूँगा। ये ध्रुव बाइक ही है, इसको अप्रॉक्स चलाए हुए इनको हो गए हैं 11,000 चल चुकी है, ये 11 की जगह 12 ही होने वाली है। तो अप्रॉक्स जो है 12,000 किलोमीटर के करीब करीब चल चुकी है। और बात कर लेते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की, तो सारा डिजिटल है और कलर्ड है, तो इसके अंदर फीचर भरपूर मिलेंगे आपको। और इसका राइडिंग पोस्चर जो है सारी एंटॉक से सिमिलर है। और कुछ खास अगर राइडिंग रिव्यू की बात करी जाए तो जैसी सारी एंटॉक चलती है उतनी ही चलती है, बट हाँ इनिशियल में थोड़ी ज़्यादा है ये। और लुक्स भी इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस किए गए हैं। तो बात करी जाए पोस्चर की चलाने की तो किस तरीके से है, ये देख पा रहे हो मेरी हाइट 6'9" है और एट दिस टाइम जो मेरा राइडिंग पोस्चर है वो बहुत ज़्यादा, ये देख सकते हो एंटॉक्स, हमारे ग्रुप में ज़्यादातर एंटॉक्स ही देखने को मिलेंगी आपको। तो राइट नाउ के लिए वाओ, तो राइट नाउ के लिए आप लोग देख सकते हो कि मेरी जो है राइडिंग पोस्चर जो है बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल, और मेरी लेग्स रूम भी काफ़ी ज़्यादा मुझे देखने को मिला हुआ है। और एट दिस टाइम जो है मैंने एक जो राइडिंग सीट जो होती है पूरी, एक राइडिंग पोस्चर के लिए जो पीछे सीट में डिज़ाइन बना होता है वो डिज़ाइन पूरा कवर किया हुआ है, जिसमें मतलब एक प्रॉपर राइडर बैठता है, जिस तरीके से आगे काफ़ी स्पेस पड़ा हुआ है मेरे पास। तो आप लोग देख सकते हो राइडिंग कंफर्टेबल है, काफ़ी ज़्यादा पोस्चर जो है काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है। बात करी जाए मीटर की, तो मीटर इसके अंदर जो है एंटॉक से काफ़ी ज़्यादा चौड़ा दिया गया है, इसके अंदर डबल डिस्प्ले कर दी गई है, उसके अंदर सिंगल ब्लैक एंड वाइट डिस्प्ले आती है। तो इसके अंदर यहाँ पर हमें देखने को मिल जाता है काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वगैरह, जैसे इसके अंदर हमें गूगल मैप तक देखने को मिल जाता है, और RPMs वगैरह, और लास्ट लैप, टॉप स्पीड, एम्पियर, बैटरी के कितने वोल्टेज ले रहा है, वो सब चीज़ें। और यहाँ पर हमें फ्यूल गेज और हमारा सर्विस साइन, कितने किलोमीटर हमारी स्कूटी चल चुकी है, कितने की स्पीड पर चल रही है, तो ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है हमें राइट साइड वाले मीटर पर मिल जाती है। और लेफ्ट हैंड साइड पर जितनी भी हमारी स्कूटी के इंजन की एडवांस फीचर्स हैं वो हमें लेफ्ट हैंड साइड वाले डिस्प्ले में देखने को मिल जाती है। ये साइड में जो दिख रहा है आपको इको मोड और पावर मोड का जो है ग्रीन, अभी ये देख रहा हूँ ये हो गया हमारा ग्रीन में हो गया, इको मोड पे आ गया, और ये अभी ये पावर मोड में आ गया। तो ये है इंडिकेटर्स का साइन, और ये है इसका ऑटो किल स्विच का है, जो जिसमें हम 6 सेकंड में जो होती है हमारी स्कूटी ऑटोमेटिकली अगर रुकी हुई है तो वो बंद हो जाती है। एक बार के लिए मैं आपको इसका एक ओवर रिव्यू दिखा देता हूँ किस तरीके से दिखती है। आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये अभी भी देखने को मिल रही है हमें, एकदम RDX ग्रीन कलर में मॉडिफिकेशन इसमें हो रखी है, कंपनी के थ्रू ही हो रखी है, ये कोई आफ्टर मार्केट नहीं है। तो चलिए अब एक बार इसको दोबारा से राइड पर आते हैं और उसको बताते हैं किस तरीके से चलती है, चलिए कि ये इको मोड में कितनी जाती है, क्योंकि मेरी जो एंटॉक है वो चली जाती है करीब करीब, एक बार से चेक कर लेते हैं इको मोड में कितनी चली जाती है। ये 69 भी नहीं जा रही, 59, ओ बस एक बार के लिए चेक करते हैं, ये 58 के समथिंग जा रही है, 58 के ऊपर जाता ही ये इको मोड से पावर मोड में कन्वर्ट हो जाती है। और अब चेक करते हैं कि ये हमारा कितना जाती है, थोड़ा सा खींच के देखते हैं टॉप स्पीड, अभी स्ट्रीट मोड पे है 91, 92, 94, आई थिंक सो ये अभी पावर मोड में है, स्पोर्ट मोड में है मेरे ख्याल से, क्योंकि 95 तक जो जाती है ना ये, 96 चली गई, तो ये पावर मोड में ही जाती है स्पोर्ट मोड में। और ट्राई करते हैं, थोड़ा लीनियर आ रहा है, 97, 99, 100, 101, 102, से ऊपर ये नहीं जा रही है स्पोर्ट मोड में,
100 2 से ऊपर नहीं जा रही है, वो भी अप्रोक्स 101 102 ही जा रही है, इससे ऊपर ये लॉक्ड है। तो टॉप स्पीड जो है इसकी 102 के आसपास है, पता है ये अभी तक स्ट्रीट मोड पे थी, तो इसको अब हम चेंज करके स्पोर्ट मोड पे डालने वाले हैं। बताओ एक बार स्ट्रीट मोड से इसको स्पोर्ट मोड में जाने के लिए बस ये मोड का बटन दबाना है, चलते में नहीं होगी। चलो कोई बात नहीं, डाउनफॉल है, चलते कभी भी तुम्हारी चेंज नहीं होगा मोड। अच्छा एक्सटी में हो जाता है? हाँ, उसमें हो जाता है। अब एक बार से स्पोर्ट मोड में चेक करते हैं ये कितनी जाती है। स्ट्रीट मोड में तो ये जा रही थी, मेरे से गलती हो गई, बाय मिस्टेक मैंने स्ट्रीट मोड के अंदर 102 निकाल दिया। अब ये स्पोर्ट मोड में तो भाई साहब भयंकर वाला एक पावर देने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 RPM भी दिखा रहा है, चेंज हो गया मीटर। स्पोर्ट मोड में डाल दी, RPM दिखा रहा है, 5000 किलो RPM पे चल रहा है। चलिए भाई पावर तो फील हो रहा है, सच्ची में पावर फील हो रहा है मुझे भाई। 90 कब लग गई पता नहीं चल रहा, मजाक से हट गए। तो मैं थोड़ा सा मीटर की तरफ कम ध्यान दूंगा, आप लोग ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मेरा आगे से अगर नज़र हट गई तो दिक्कत हो जाएगी। कोई फ़र्क नहीं लग रहा मुझे अभी तक, तो मुझे कुछ खास फर्क लग नहीं रहा, सेम ही जा रही है। लेट्स सी क्या होता है अब। कोई फर्क नहीं है, बल्कि मुझे तो डिक्रीज ही लग रही है यार, उसमें तो 102 जा रही थी और यहाँ पर जो है 100 से ऊपर नहीं जा रही है, मुझे कुछ खास फर्क लग नहीं रहा। कुछ फर्क नहीं है, 101 लगी है बड़ी मुश्किल से, 101 बस 101 टच हो रहा है, 99 100 चल रहा है, ये 3 स्पीड्स के बीचों बीच चल रही है अभी तक। कोई फर्क नहीं है स्पोर्ट मोड का मेरे हिसाब से। एंटॉक रेस एडिशन VS4 मॉडल और BS6 XT का सेम ही हाल है। मैंने अप्रॉक्स अभी इसको कम से कम 4 किलोमीटर नॉनस्टॉप खींचा है, कि कहीं ना कहीं तो पावर इसकी जो है थोड़ी सी ज़्यादा दिखाई देगी मुझे, बट अभी के लिए मुझे स्पोर्ट मोड के अंदर और स्ट्रीट मोड के अंदर कोई भी डिफरेंस दिखाई नहीं दे रहा है। प्लस 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 इसके अंदर एक माइनस पॉइंट आ जाता है, अगर आपकी जो स्कूटी है उसकी बैटरी डाउन हो जाती है तो उस केस के अंदर आप इसको स्टार्ट नहीं कर सकते हो, ना ही धक्के से और ना ही किसी और सिचुएशन से, सिर्फ आपको सर्विस स्टेशन ही ले जाना पड़ेगा। और सर्विस स्टेशन अगर जब तक आप नहीं ले करके जाते हो, उस केस के अंदर ये कहीं से कहीं तक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसके अंदर किक नहीं है। अगर इसके अंदर कंपनी ने किक पता नहीं क्यों हटा दी, इतनी भी 125 cc सेगमेंट के अंदर मुझे ऐसा नहीं लगता कि किक हटानी चाहिए, क्योंकि ये इतना भी हाई प्रोफाइल बाइक नहीं है या स्कूटर नहीं है कि इसके अंदर किक हटा दी जाए, बट कंपनी ने पता नहीं क्यों कॉस्ट कटिंग करी है। ब्रेकिंग की बात की जाए, ब्रेकिंग काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंटली चलवा रही है, बट ABS ना हमें मिलता नहीं है फ्रंट के अंदर। अगर एंटॉक अगर हमें दे रहा है 1.5 लाख रुपए की स्कूटी दे रहा है, 1,30,000 की स्कूटी हमें दे रहा है मार्केट में, तो इसके अंदर अगर वो ABS डाल देता ना, तो थोड़ा सा हमें राइडिंग के अंदर और ज़्यादा कॉन्फिडेंस आता चलाने के लिए, जो कि अभी हमें नहीं मिल पा रहा है। बट हाँ, इतनी भी मतलब उस तरीके से नहीं हुई है स्कूटी की राइडिंग कॉन्फिडेंस नहीं आता हमें चलाने का, इस तरीके की भी हमारी ब्रेकिंग नहीं है कि हमें राइडिंग कॉन्फिडेंस ना आए चलाने का, राइडिंग कॉन्फिडेंस आता है। बट कंपनी ने इसके अंदर ABS मिसिंग रखा है, और वो क्यों रखा है, क्यों इतना छोटा सा इन्वेस्टमेंट करने में कंपनी को दिक्कत थी क्या था, वो अब TVS ही जाने। तो आई होप सो आप लोगों को एक छोटा सा राइडिंग रिव्यू जिसमें मैंने मेन पॉइंट्स जो है कवर किए हैं वो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आपको क्या करना है, आप लोगों को सब कुछ पता है, आप लोगों को करना है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो एक बार मैं आपको किक दिखा देता हूँ,
इसके अंदर किक का ऑप्शन जो है वो खाली दिया हुआ है, बट किक है नहीं है एक्चुअल के अंदर। मैं साइड पर आपको रोक के दिखाई देता हूँ, एक बार थोड़ा सा घूम जाते हैं। ये देख पा रहे होंगे आप लोग, यहाँ किक का एक ऑप्शन ज़रूर दिया हुआ है गोल सा, बट यहाँ पर किक आपको मिसिंग मिलेगी। तो कंपनी ने पता नहीं क्यों किक को मिसिंग कर दिया और इस स्कूटी को मार्केट में उतार दिया। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लेना है। तो तब तक के लिए सेफ राइड करें, तो तब तक के लिए गुड बाय।